दादी एडमिट है कोविड में हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था उनके लिए खाना लेके, और उनका ब्लड टेस्ट करवाना था, तो लैब वाले भैया को भी उधरी से लेते गया था वो। फिर सिस्टर से हम लोग वो सैंपल निकलवाए ब्लड का, फिर वो भैया लेके आए, हम खाना दे के आया, फिर वो हम दोनों आए लैब में, फिर लैब में मैं पैसा वैसा जमा किया जितना भी उसका हो रहा था, फिर वहाँ से मैं अपना रिसीव वसीब लेके वापस आ रहा था। तो फिर इतना मैं वहाँ पर रुकवाए, बोले कहाँ घूम रहे हो, मैं पर्ची निकाल ही रहा था कि इतना में मेरे को एक डंडा मारे। फिर मैं कलेक्टर साहब को दिखाने गया, तो फिर इधर से आए, बोले ठीक है जाओ, फिर मेरे को बुलाए, फिर उनको पता नहीं क्या लगा, मेरा मोबाइल लेकर पटक दिए ज़ोर से, और फिर मेरे को एक झापड़ भी मार दिए, और फिर पुलिस वालों से भी पिटवाने लग गए, और बोले इसके ऊपर FIR करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उनका कहना है कि क्या वीडियो वीडियो कुछ बनाने लगे या गाड़ी मैं की? कुछ नहीं सर, मेरे हाथ में मोबाइल था, दवा का पर्ची था, बाइक का चाबी था, अब उनको जो भी लगा हो, मेरा मोबाइल देखिएगा ना, ऐसे था ही नहीं, पूरा ऐसे था। कलेक्टर के भी कहना है कि मैं तो बहुत तेज की मैं गाड़ी चला रहे थे, चलाने की कोशिश कर रहे थे। सर मैं एकदम आराम से आ रहा था, कोई ऐसा नहीं है, वो एक हाथ दिया मैं रुक गया और उतर गया, फिर उस टाइम उसके बाद इस टाइप का हो गया। कौन सा मोबाइल था जिसने कलेक्टर ने तोड़ा, जो आपको कौन सा मोबाइल रखा था? वो Vivo S1 था सर, 17,000 का था, लिया था, वो तोड़ दिया, ऐसा टूटा है कि पूछिए मत। उस मोबाइल का हालत थाना में जाके आप लोग देख सकते हैं कैसा हो गया है, और गाड़ी भी ले गए हैं मेरा, और मेरे को भी बोल रहा था कि अंदर डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो आपका क्या मानना है कि इस तरह से क्या कोविड पेशेंट मतलब घर से बाहर भी ना जा सके? हाँ मतलब खाना मतलब देना तो जाना ही ना पड़ेगा सर, वो तो कल कलेक्टर साहब दिन में मेरे को मारे, फिर भी मैं रात को गया था, वो तो देने ही जाएगा, भूखा थोड़ी रहेंगे वहाँ। आज 12-10-12 अब क्या दिन से भर्ती घर है वहाँ ना, है ना? बारह दिन से भर्ती इस है तरह से वहाँ। घटना होना क्या मानते हैं? क्या सही इस टाइप की घटना हुई जिस तरह से हुआ आपके साथ, अभी आपके साथ पूरे लोग खड़े हैं, क्या मानते हैं इस तरह घटना होनी चाहिए क्या लोगों के साथ? क्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे एक तो वैसे इतना आर्थिक तंगी है, अभी सब काम धंधा बंद है, और मोबाइल तोड़ दिए 17,000 का, बताइए, गाड़ी ले गए थाना में, हम तो मार पीट दिया अलग, मतलब अपना हम तो पेशेंट को ना देखने गए थे, कोई फालतू थोड़ी घूम रहे थे।